Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Cooking Food Secrets. Hope you all are fine and doing good in your lives. Today's recipe. जी तो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है इसका नाम है अ कप ऑफ क्रीमी हॉट चॉकलेट। सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों की मुनासिबत से चॉकलेट जबरदस्त चीज है, टेस्ट भी अच्छा होगा और मजा भी आएगा। बगैर टाइम जाया किए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं एक सॉस पैन ले रही हूँ, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी एक कप दूध। अगर इसे क्वांटिटी में बताऊं तो ये 280 टू 300 ml होगा। इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, जिसे मैं सिफ्ट करूंगी ताकि लम्स ना बने। शामिल करूंगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून ग्रेन्यूलेटेड शुगर। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को कर लेंगे ऑन। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे रखना है और कॉन्टिन्यूसली हम इसे स्टिर करेंगे ताकि जो शुगर और कोको पाउडर हमने इसमें डाला है वो पैने के साथ लग न जाए। मीनवाइल मैंने लिया है एक कप में तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून वाटर और इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। जी व्यूअर्स, लाइट बबल आ चुके हैं हमारे लिक्विड के सरफेस के ऊपर। अब जो हमने सिरप तैयार करके रखा हुआ था कॉर्न स्टार्च का पानी के साथ, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे मजीद हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। एंड विद इन नो टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर डेंस बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। लिक्विड की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी डेंस हो जाएगी। अब ये स्पैचुला के ऊपर थोड़ा स्टे कर रहा है, देख रहे हैं आप डेंस बबल्स आ रहे हैं। बस इस स्टेज पे फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। अब जो नेक्स्ट चीज मैं इसमें शामिल करूंगी वो है जी डार्क चॉकलेट, सेमी स्वीट डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने सेमी मेल्टेड फॉर्म में रखा हुआ है। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी एक चीज जिसे ख्याल करने की जरूरत है वो ये कि मैंने इस वक्त फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी चॉकलेट और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैंने यहाँ पर सेमी स्वीट डार्क चॉकलेट यूज की है, जिसकी क्वांटिटी जो मैंने यूज की थी वो तकरीबन 80-100 ग्राम्स के करीब थी। आप अगर चॉकलेट ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब ये जो हमारा लिक्विड है तैयार हो चुका है, इसे हम पोर करेंगे कप के अंदर। ओके जी, हॉट चॉकलेट हमारी तैयार हो चुकी है, पोर करने लगी हूँ इसे कप के अंदर। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिए हैं घर में मौजूद जो दूध हम लाते हैं उसके ऊपर जो बनाई आती है वो तकरीबन 1/2 कप। हाफ कप के अंदर मैंने शामिल कर लिए हैं 1 टेबलस्पून शुगर। मीठा आप मर्जी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम व्हिप करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर आपके पास घर में मौजूद बनाई है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं इसे व्हिप कर रही हूँ, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट इसे व्हिप किया होगा और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं करना। अब इसे शामिल करेंगे अपने कॉफ़ी कप के ऊपर। लेंगे एक ये पफी सी जो क्रीम हमने तैयार की है, ये हम स्प्रेड करेंगे अपने चॉकलेट के ऊपर। जी तो व्यूअर्स, तैयार है हमारा हॉट चॉकलेट, क्रीमी हॉट चॉकलेट का
डेकोरेट करूँगी फाइनली इसे पिस्ता और बादाम के साथ। ये मैंने क्रश किए हुए हैं, इसके साथ इसे डेकोरेट कर लेते हैं। गर्म गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है ये कप। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस।